दोस्तों आपका मनपसंद चैनल हाईटेक टीवी न्यूज ऑन एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग हाईटेक टीवी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आज रुकने पार्लियमान के तौर पर हलफ लिया। असदुद्दीन ओवैसी उर्दू जबान में खुदा के नाम पर हलफ लिया। हलफ लेने के बाद उन्होंने दो मरतबा जय भीम कहा और अल्लाह अकबर का नारा लगाया। असदुद्दीन ओवैसी जब हलफ लेने जा रहे थे तो उस वक्त बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। उसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से नारेबाजी करने का इशारा दिया। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट के इस नाराबाजी पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अच्छी बात है कि मुझे देखकर कम उस्किन उन्हें राम की तो याद आई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उम्मीद है बीजेपी को दस्तूर और मुजफ्फरपुर के बच्चों की मौत भी याद आएगी। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी, मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर, जो कानून के बमूजब तय पाया है, एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं, इसके फ़राइज़ व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। ये लीजिए।